आजादी का फाइटर वाला अंदाज, लड़ाकू विमान से भरी उड़ान, आसमान से पूरी दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। 56 इंच सीने वाले दम ने उड़ा दिए पाकिस्तान के होश, चीन की हालत हुई खराब। सिर्फ उड़ान नहीं, दुनिया को दिया बड़ा संदेश। वाजपेयी ने दिया था तेजस नाम, पूरी दुनिया करती है ताकत को सलाम। अमेरिका रूस भी खरीदने के लिए बेताब। मोदी की उड़ान का असली मकसद जान, आप भी करेंगे सलाम। जब सो रहा था आधा हिंदुस्तान, तभी बेंगलुरु पहुंच गया मोदी का विमान। 45 मिनट तक हवा में भरी उड़ान, खुद को पायलट बन गए मोदी। आसमान में कह दी बहुत बड़ी बात। आंखों पर चश्मा, फाइटर पायलट वाला लुक। जब 56 इंच सीने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान को चीरते हुए भरी उड़ान, तो सहम गया पाकिस्तान, चीन के भी उड़े होश। लेकिन 90% लोग यकीन मानिए इस उड़ान का असली मकसद नहीं जानते। सिर्फ ये उड़ान नहीं, बल्कि दुनिया को मोदी ने दिखा दी भारत की ताकत। इस एक उड़ान के बाद अमेरिका से लेकर रूस, इसराइल जैसे देश भी भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। मोदी के उस खास मकसद के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले इसकी ताकत को समझ लीजिए। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमान की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। तेजस 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है, साथ ही से लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। साल 2003 में वाजपेयी ने ही LCA को तेजस नाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बने तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने दुनिया को आसमान में भारत की ऊंची उड़ान का संदेश दिया। पायलट बन गए मोदी, आसमान में कह दी बहुत बड़ी बात। एक दौर वो भी था जब भारत रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर मोहताज था, लेकिन समय बदला, केंद्र में मोदी सरकार आई और हालात लगातार बदलते चले गए। ये तस्वीरें इसकी वानगी हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम मोदी के विजन में आज देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के लिए 83 तेजस खरीदने के वास्ते HAL के साथ 48,000 करोड़ का करार किया था। HAL इस विमान को अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मिस्र और फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने की संभावना तलाश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान की तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम के तेजस पर ये उड़ान बदलते और निखरते हिंदुस्तान की उड़ान है।